देहरादून के हाल ही में वेलहम बॉयज स्कूल, जिसमें सभी संप्रदायों के छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं, किंतु स्कूल प्रबंधक ने धार्मिक मतांतरण एवं धर्मांतरण की लालसा से स्कूल के कैंटीन में हलाल मीट परोसने के लिए जो टेंडर जारी किया गया है, उसे छात्र छात्राओं एवं उनके परिजनों के साथ साथ हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा है। स्कूल प्रबंधक के इस कृत्य से हिंदू मान मूल्यों का पालन करने वाले छात्र छात्राओं की धार्मिक मान्यता खतरे में आन पड़ी है, जिसको देखते हुए बजरंग दल देहरादून को हिंदू मान मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आना पड़ा। इसी क्रम में बजरंग दल अवगत कराता है कि तुरंत तत्काल प्रभाव से इस सांप्रदायिक टेंडर प्रक्रिया को रोका जाए और बजरंग दल की इस उचित मांग को नजरअंदाज न किया जाए, अन्यथा परिणाम स्वरूप बजरंग दल आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं ऐसे स्कूलों की होगी। बजरंग दल वेलहम बॉयज स्कूल व अन्य ऐसे स्कूलों जो इस प्रकार से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़कर धर्मांतरण को बल दे रहे हैं, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए एवं इस टेंडर प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। स्कूल कार्यालय पहुंचकर संगठन के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और स्कूल प्रशासन को भविष्य में ऐसे कार्य करने पर कानूनी प्रक्रिया की चेतावनी भी दी गई। इस ज्ञापन के साथ साथ मौके पर डालनवाला थाने में बजरंग दल संगठन की ओर से एक मुकदमे की तहरीर स्कूल प्रशासन के लिए दी गई, जिसमें पुलिस के द्वारा स्कूल प्रशासन पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करे, जिससे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति अन्य कोई स्कूल प्रशासन नहीं कर सके। इस मौके पर मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का उपयोग किया। के लिए लगातार हमारी कार्यशैली रहेगी। हमने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के संज्ञान में भी ये चीज डाल दी गई है और उन्हें भी एक हमने ज्ञापन देना है और इस पूरी देवभूमि से हलाल नाम को मिटाने के लिए, ये कि जो मांस परोसे वह हलाल और झटका लिखे अनिवार्य करने के लिए भी एक आंदोलन शीघ्र अतिशीघ्र बजरंग दल के द्वारा किया जाएगा। ठीक, कुछ स्कूल द्वारा छात्रों को एक हलाल मांस दिया जा रहा है और आज इस पर आपने ज्ञापन भी दिया है। देखिए, वैसे तो मोस्टली आप देखेंगे उत्तराखंड में 90% जो है सप्लाई हलाल के मांस की है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब धार्मिक रूप से मांस को भी विभाजित किया गया है, हिंदू समाज में जो मांस भक्षण करने वाले लोग हैं वह सिर्फ झटके का खाते हैं और मुसलमानों के लिए हलाल का मांस अनिवार्य है। कारण क्योंकि हलाल की जो प्रक्रिया है बड़ी बड़ी कष्टदायी है। पूर्व में भी पशु क्रूरता के नियमों के खिलाफ इस चीज़ को माना गया था और आप देख रहे होंगे एक जो संस्था अपने भारत की है उसने हलाल जैसे नाम का अब वो रोक लगा दी गई है सरकार की ओर से। और यहाँ पर एक प्रतिष्ठित स्कूल वेलहम बॉयज द्वारा अपने एक टेंडर नोटिस में ये लिखा जा रहा है कि हमें पोल्ट्री और मीट की जो आवश्यकता है वो सिर्फ हलाल के मीट की आवश्यकता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस देवभूमि के लिए है कि जहाँ देवों की इस भूमि में जिस तरह से इस्लामीकरण या कम्युनिस्ट या ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये सब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को आहत करता है। और उस विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकतम बच्चे हिंदू हैं, तो क्या वह जो मांस का सेवन करेंगे वह हलाल का होगा? और अगर उन बच्चों के किसी गार्जियन ने हलाल के और झटके के बारे में अंतर पूछा तो आप देखिए कितनी कष्टदायक स्थिति होगी। हलाल को उन्हें बताना पड़ेगा कि वह एक कष्टदायी प्रक्रिया से गुजरने वाला एक संबंध है। तो हमने आज उसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें हमने स्कूल प्रशासन का घेराव किया और संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए हमने डालनवाला में तहरीर दी है मुकदमा पंजीकरण करने के लिए और मुकदमा पंजीकृत उसमें होगा। तो ये तहरीर हमारे द्वारा दी गई और पुलिस के द्वारा रिसीविंग ली गई है इसमें, और उसके बाद SDM साहब को, DM की अनुपस्थिति में SDM साहब को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया कि स्कूल प्रशासन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई हो हर उस स्कूल के खिलाफ जो ऐसी प्रक्रिया में लिप्त है। इस प्रक्रिया